नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में जो हमारी क्लास होती है वो हिंदी व्याकरण की क्लास होती है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए। तो इस क्लास में हम क्या है कि आपके लिए 40 क्वेश्चन है वो लेके आते हैं, और वो भी आपके क्या है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के पैटर्न के अनुसार होते हैं। यानी जितने भी टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में हिंदी व्याकरण के, उस सभी में से क्या है कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के और आपका एक पूरा टेस्ट है वो बना के आपको क्या है दिया जाता है, यानी प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन कर रखी है तो आपके क्या है आपको पता भी होगा, आपके जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आपको सभी को पता है कि आप पहले कितने नंबर आते थे, अब कितने नंबर आते हैं। तो इससे पहले हमारी बात करें क्लास की, तो हिंदी व्याकरण की 37 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी 36 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये हमारी 37वीं क्लास है। और राजस्थान जी के ये आपकी क्लासें हैं वो 45 क्लास यानी 45 क्लासें वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज इवनिंग में आपकी 47वीं क्लास होगी। इंग्लिश की क्लास क्या है एक बार थोड़ी डिले कर दी गई है, तो उसका अब आपको बता दिया जाएगा जब भी होगी। तो अभी तो क्या आपको ये 2 क्लास ही आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को, जिसमें आपके लिए क्या है 40 क्वेश्चन है और वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है कि इनमें से अलप प्राण वर्ण कौन सा है। अपने कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठ जाएं और बताइए कि इनमें से अलप प्राण वर्ण कौन सा है, यानी अलप प्राण वर्ण आपको बताने हैं कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही जवाब है उसको आपको क्या है नोट डाउन करना है। क्या आएगा इसमें, तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, क और द है वो क्या है अलपप्राण वर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बताना है इनमें से महाप्राण वर्ण बताना, आपको महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि इनमें से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। 4 ऑप्शन में जो सही है उसको आपको क्या है नोट डाउन करना है, अपने कॉपी पेन अपने साथ होंगे उसमें क्या जल्दी नोट डाउन करो। क्या आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है, दह धनुष और फैफल है वो क्या होते हैं महाप्राण वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से अघोष वर्ण बताना, आपको इनमें से अघोष वर्ण बताइए कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क और थ होंगे वो क्या होंगे अघोष वर्ण होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से सघोष वर्ण है, बताइए कि इनमें से सघोष वर्ण कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको सही जवाब देना है और बताना है कि सघोष वर्ण कौन से हैं इनमें से। क्या आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ब और घ क्या होते हैं सघोष वर्ण होते हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बताना है री ऋषि होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। री ऋषि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब दीजिए कौन सा सही है इसमें। तो चारों में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, बिल्कुल सही जवाब मुर्दा। क्या होते हैं मुर्दा होता है जो ऑप्शन री ऋषि का उच्चारण स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एरर से संबंधित है, आपको एरर बतानी है यानी शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। एक शब्द होता है संग्रहित, संग्रहित शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने बताएं, आपको शुद्ध शब्द छांटना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से संबंधित आपका क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या आएगा संग्रहित, क्या आना चाहिए इसमें। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है इसमें, संग्रहित होता है ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सुषमा शब्द होता है, एक सुषमा सुषमा शब्द वो कौन सा इसमें क्या है सही है, बताइए सुषमा शब्द कौन सा होगा इसमें सही जवाब बताएं। सुषमा का शुद्ध रूप बताना आपको, सुषमा शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है सुषमा, ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विशेष, एक विशेष शब्द होता है उसका शुद्ध रूप बताइए कौन सा होगा इनमें से। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि विशेष का शुद्ध रूप है वो कौन सा इनमें, क्या आना चाहिए इसमें।
तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, विशेष है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अनुशंसा, एक अनुशंसा शब्द होता है आपने कई बार सुना भी होगा अनुशंसा, तो कौन सा शुद्ध रूप है अनुशंसा शब्द का बताइए चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें। अनुशंसा शब्द में जो शुद्ध रूप आपसे पूछा है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें अनुशंसा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है शारीरिक शब्द कौन सा शुद्ध रूप है, ये हम क्या है रोजाना एक बार क्या हमारी आंखों के सामने से ये शब्द गुजरता है, लेकिन फिर भी क्या है मोस्टली 95 स्टूडेंट का ये गलत होता है, ध्यान रखना 95% स्टूडेंट है वो इसको गलत करते हैं। शारीरिक शब्द होता है एक, उसका शुद्ध रूप आपको बताना है क्या आएगा इसमें बताएं, बताइए क्या आएगा इसमें। चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है शारीरिक, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताना है संधि, बताना आपको कि कौन सी संधि है अभ्यर्थी शब्द में, कौन सी संधि है या फिर अभ्यर्थी शब्द है वो कौन सी संधि का उदाहरण है बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है और जो सही जवाब है उसको आपको नोट डाउन करना है, जल्दी जल्दी जवाब दें और आगे बढ़ें, क्या आएगा इसमें। तो इसमें दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, चाहे तो ए कर लो या फिर डी कर लो, ए या फिर डी कौन सा ही कर लो दोनों ही सही है इसमें, एक बार चेक और कर लेना आप इसको कि अभ्यर्थी है वो यण संधि का उदाहरण है क्या, तो इसमें दोनों ऑप्शन है वो सेम दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी या फिर ए की है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उपयुक्त ने कौन सी संधि है या फिर उपयुक्त शब्द में कौन सी संधि का उदाहरण है बताइए, उपयुक्त शब्द बताना आपको कौन सी संधि का उदाहरण है, चार ऑप्शन आपके सामने बताएं सही जवाब क्या होगा, क्या आएगा इसमें, इसमें भी यण संधि ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुक्ति शब्द में बताना है कौन सी संधि है, सुक्ति शब्द में बताइए कौन सी संधि होगी, चार ऑप्शन आपके सामने सही जवाब आपको देना है बताएं क्या आएगा, सुक्ति शब्द में संधि बतानी आपको क्या आएगी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं सही जवाब आपको देना है बताइए कौन सी संधि का उदाहरण है सुक्ति, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ, दीर्घ संधि का उदाहरण है सुक्ति, ऑप्शन नंबर सी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हितोपदेश, हितोपदेश में कौन सी संधि है बताइए या फिर हितोपदेश कौन सी संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, हितोपदेश में कौन सी संधि है, तो इसमें आएगी ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए इसमें ए आएगा गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही जवाब है गुण संधि है हितोपदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अन्वेंशन, अन्वेंशन में आपको बताना है कौन सी संधि है या फिर अन्वेंशन आपको बताना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है बताइए, चार ऑप्शन में से बताना है कि अनवेंशन है वो कौन सी संधि का उदाहरण है बताइए क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है बताइए, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कहलाता है क्या, कौन सा समास कहलाता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बताएं कौन सा सही होगा इसमें क्या आएगा इसमें, तो इसमें आपका सही जवाब होगा द्वंद्व समास होगा वो, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कहलाता है बताइए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कहलाता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें तत्पुरुष समास कहलाता है, यानी तत्पुरुष समास कौन सा होता है जिस समास में क्या है उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होगा ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है वह कहलाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको बताना है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य या फिर उपमान या फिर उपमेय
का संबंध होता है वह कौन सा समास कहलाता है। क्या आएगा इसमें, क्या आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, कर्मधारय होता है। कौन सा समास होता है वो, कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच क्या है, या तो विशेषण या फिर विशेष्य होगा या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद का भाव समुदाय में होता है वह कहलाता है। बताइए, चार ऑप्शन देखकर आपको बताना है कौन सा सही जवाब है इसमें। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। कौन सा है, द्विगु समास होता है। द्विगु में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद का भाव समुदाय में होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह कहलाता है। बताइए, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वह कहलाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको सही जवाब देना है। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बहुव्रीहि समास होता है वो। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है कि किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। बताइए कि किस क्रम में सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दीजिए जवाब। क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है, दूध वाला, दूध का नीर, जल पावस, ये क्या होते हैं, पानी के पर्यायवाची दे रखे थे आपको। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्सेक किसका पर्यायवाची है। बताइए, उत्सेक शब्द होता है एक, वो किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें। तो क्या आएगा इसमें, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोश का। किसका है, जोश का पर्यायवाची है उत्सेक, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, मदन सलाह का किसका पर्यायवाची है। बताइए, मदन सलाह का किसका पर्यायवाची है चार ऑप्शन में से। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आएगा, कोयल का। यानी मदन सलाह का है वो कोयल का पर्यायवाची है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, आख्यान का पर्यायवाची बताना है आपको। आख्यान का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। वृत्तांत का पर्यायवाची है, या फिर वृत्तांत है वो आख्यान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अकाल का पर्यायवाची है। बताइए, अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में सही जवाब है वो आपको बताना है। बताइए क्या होगा अकाल का पर्यायवाची। तो क्या आएगा इसमें, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या है, अकाल का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए जिसने किया था, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, विलोम शब्द बताने। अब विलोम शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपको बताना है मधुर का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए चार ऑप्शन में से, मधुर का आपको विलोम शब्द बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कि मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो क्या आएगा इसमें, चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए जिसने किया, बिल्कुल सही जवाब है, कटु आएगा। कटु जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया, मधुर का कटु, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि दंड शब्द है, कि दंड का आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए, दंड शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। क्या आएगा इसमें, चार ऑप्शन देखकर बताओ जल्दी जल्दी, जो भी है उसको नोट डाउन करें। क्या आएगा इसमें, पुरस्कार आएगा, ऑप्शन नंबर ए जिसने किया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पंडित का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। पंडित का विलोम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन में से सही जवाब आपको देना है। बताइए क्या आएगा, पंडित होता है ज्ञानी और मूर्ख होता है ज्ञानी, यानी मूर्ख आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बताना है, मूक मूक शब्द होता है एक, मूक का आपको विलोम शब्द बताना है। मूक का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन में से मूक का विलोम शब्द आपको बताना है। क्या आएगा, चार ऑप्शन में से मूक होता है जो बोल नहीं पाता, वो मूक होता है, और वो जो बहुत ज्यादा बोलता है वो वाचाल होता है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, आदि का विलोम शब्द आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा। आदि का विलोम शब्द बताना आपको, क्या आना चाहिए इसमें? आदि का आएगा अंत, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। आदि का उल्टा अंत होता है, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया। अपना एक नंबर जोड़ दें और आगे बढ़े। आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन है, और बताइए कि जो ममता से रहित हो, जो ममता से रहित हो उसको क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन में से बताइए क्या आएगा। जो ममता से रहित हो उसमें आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है, निर्मम। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जिसे कठिनाई से लांगा जा सके, बताइए जिसे कठिनाई से लांगा जा सके उसको क्या बोलते हैं? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, जिसे कठिनाई से लांगा जा सके उसको आपको बताना है क्या आएगा। तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, दुर्लंगे, दुर्लंगिया होगा वो ऑप्शन नंबर ए जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गिना जाने वाला, बताइए सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जो सही जवाब है वो आपको बताना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है, अगर गणने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, जो किसी पर अभियोग चलाए उसे क्या बोलते हैं? जो किसी पर अभियोग चलाए उसे क्या बोलते हैं बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बताएं, जो किसी पर अभियोग चलाए वो होता है अभियोगी, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बताइए पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है बताएं? चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? पीने की इच्छा रखने वाला तो होगा पिपासु, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है, पिपासु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ बताना है कि तवे की बूंद होना, बताएं तवे की बूंद होना मुहावरे का अर्थ बताना आपको। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बताइए कि क्या आएगा इसमें? तवे की बूंद होना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या आएगा। चार ऑप्शन में से जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है, क्षण भर में नष्ट होना क्या होता है? तवे की बूंद होना। तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया था बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, दांत कटी रोटी होना, दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? दांत कटी रोटी होना मुहावरा बताना आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही जवाब है, अत्यंत घनिष्ठा होना बिल्कुल सही जवाब है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना आपको, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आना चाहिए इसमें? शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। अब विद्यांचल हरा भरा हो गया है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यही है शुद्ध वाक्य वाला, शुद्ध वाक्य छांटना है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है इनमें से, चारों में से। 39 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य आपको छांटने हैं, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये बताना है शुद्ध वाक्य, बताइए चार ऑप्शन आपके सामने हैं क्या आएगा इसमें? चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है, शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ये तो थे हमारे आज के हिंदी व्याकरण के 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। अब आपको पता ही आपका काम क्या है, आपको बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए। दूसरी बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा? तीसरी बात, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो। और आपको टाइम बताइए, 10 से 11 बजे आपकी क्लास होती है, वो
हिंदी व्याकरण की होती है मॉर्निंग में, दोपहर को 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है जो अभी एक बार डिले कर दी गई है, और फिर आपको इवनिंग में 6 बजे आपकी क्लास होती है, 5 से 6 वो होती है राजस्थान जीके की। संडे को आपका 85 नंबर का पूरा पेपर होता है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना क्या इसकी क्लासेज ज्वाइन करें, आपको बेनिफिट होगा इसका। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी अगर कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो उसका भी क्या है आपका समाधान किया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।